गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोशनल ईएमएफ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मोशनल ईएमएफ। देखो बेटे, हमने लेंज ला पढ़ा, हमने फेराडेज एक्सपेरिमेंट पढ़े, अब हम मोशनल ईएमएफ को स्टडी करेंगे। ठीक है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है? मोशनल ईएमएफ होता है भाई कि हम किसी भी एक कंडक्टर को, ध्यान से समझना, किसी भी कंडक्टर को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं, किसी भी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं, तो बेटे उसके एंड्स के ऊपर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके एंड्स के ऊपर क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो ईएमएफ क्या कहा जाता है, जो ईएमएफ बना उसको क्या कहेंगे? मोशनल ईएमएफ। दैट ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। तो सबसे पहले मोशनल ईएमएफ क्या होता है? हमारा फर्स्ट है मोशनल ईएमएफ। बेटे अभी जो आपको बताया है उसको वर्डिंग में नोट कर लो। ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग रोड, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग रोड When it is moving, उसको रखना नहीं है, उसको मूव करवाना है। ठीक है, When it is moving in a uniform magnetic field, EMF produced in a conducting rod, when it is moving in a uniform magnetic field, ये किसके अंदर मूव करेगी? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर है भाई? अब देखो इसका डायग्राम जब हम बनाते हैं बेटे, तो डायग्राम के अंदर क्या करना है हमें? फर्स्ट सपोज बेटे, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइदर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन 100% पेपर में आता है। आइदर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन न्यूमेरिकल्स में हर बार आता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग रोड रख दी, ये रेल्स हैं। ठीक है, रेल्स बोलते हैं बेटे, ये सर्किट कंप्लीट करने के काम आएंगी। ये हमारी रोड है, ये रोड, लेट दिस एंड इज पी, दिस एंड इज एट क्यू, एक एंड पी है और दूसरा हमारा क्यू है। इसको कहां पर रखा गया है? इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसके अंदर रखा गया है भाई? ये हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आपको भी पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पर वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी। बेटे क्रॉस का मीनिंग क्या है? क्रॉस का मीनिंग है यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। हमारे पी क्यू रोड है, इस पी क्यू रोड को जब हम मूव करवाएंगे तो अभी क्या बताया था, इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और बेटे एक तरह से ये रेल्स यहाँ पर वायर का काम करेंगी, और वायर का काम करेंगी, यहाँ पर हम कोई भी रेसिस्टेंस लगाएंगे, जैसे बल्ब वगैरह लगाएंगे, जैसे ही बल्ब वगैरह लगाएंगे यहां से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू कितनी होगी, कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, कौन सी डायरेक्शन होगी, हम किस डायरेक्शन में इसको मूव करवा सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमें यहां पर पढ़ने हैं बेटे, बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की क्या पोलैरिटी होगी। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? ईएमएफ है और क्लोज सर्किट है तो करंट कितना होगा। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें? करंट कितना होगा। ठीक है, थर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट कैलकुलेशन आ जाती है, डायरेक्शन ऑफ करंट,
ये चीजें हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो ले बेटे ध्यान से समझना, इनको हम दो मेथड से बता सकते हैं। फर्स्ट लेट हमारा जो कंडक्टर है, जो कंडक्टिंग रोड है, ये कंडक्टिंग रोड किधर जा रही है? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। बेटे बिल्कुल ध्यान से, कंडक्टिंग रोड मान ली हमने, आप अपनी बुक से करोगे वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारी जो रोड है वो किधर जा रही है? टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, ये इधर हमारी रोड, हम इस रोड को ये मूव करवा रहे हैं। तो बेटे यहां पर देखो, पहले तो इसको नोट करो एक बार, डेफिनेशन को नोट करो एक बार, ठीक है? देखो सबसे पहले ये क्या है, हमारी कंडक्टिंग रोड, दिस इज कंडक्टिंग रोड जो कि मूव करवा रहे हैं। बेटे हम इसको एक्सिस के अंदर अगर लेकर चलें, एक्सिस की जब हम बात करें, वेलोसिटी किधर है? प्लस एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इधर क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कंडक्टिंग रोड किधर है? वाई एक्सिस में है। कंडक्टिंग रोड किधर है? वाई एक्सिस में है। ये वाई एक्सिस होते हैं, और ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हम एक्स वाई और जेड देते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है? जेड एक्सिस। ये आउटवर्ड जेड एक्सिस है, इनवर्ड क्या होगा? माइनस जेड एक्सिस। तो ये याद रखना बेटे, मैग्नेटिक फील्ड इज इन माइनस जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? माइनस जेड एक्सिस है, ठीक है? तो लेंज ला अप्लाई करते हैं बेटे यहां पर। देखो हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, फिर राइट हैंड रूल यूज करेंगे। उसकी बजाय सिंपल लेंज ला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां पर जो करंट बनेगा उस करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है? तो सबसे पहले लेंज ला देखो भाई, यहां पर सीधी सी बात है, एरिया चेंज होगा, एरिया इंक्रीजेस। कब इंक्रीज होगा भाई? देखो ये एरिया था, मैंने इस रोड को यहां पर लेकर आया, मैं इस रोड को यहां पर लेकर आया, तो एरिया इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? एरिया इंक्रीज हुआ। अब एरिया इंक्रीज, फ्लक्स के फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब बी मैग्नेटिक फील्ड, एरिया नॉर्मल आपको ही पता है, आउटवर्ड इनवर्ड आप ले सकते हो। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। तो इफ एरिया इज चेंजिंग, अगर बेटे अगर आपको पिछला टॉपिक समझ में आया तो ये बहुत इजी लगेगा। अगर एरिया चेंज हो रहा है देन फ्लक्स इज ऑल्सो चेंजिंग। फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, और फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा यहां पर? इंक्रीज होगा, ठीक है? इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू लेंज ला के अकॉर्डिंग। लेंज ला क्या कहता है बेटे? अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा वहां पर? अपोजिशन होगा। क्या होगा वहां पर? ओपोजिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है? फ्लक्स चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होगा? करंट प्रोड्यूस्ड या करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसके कारण क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा, क्लियर? और ये करंट कैसा होगा? दिस टेंड्स टू डिक्रीज द फ्लक्स। ये करंट ऑपोजिट बनेगा भाई, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। लेंज ला क्या कहता है? जो इंक्रीज हो रहा है
उसको इंक्रीज नहीं होने देना, और जो डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज नहीं होने देना। पहले तो इंक्रीज नहीं होने देना, अब ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने देना। दिस टेंड्स टू, करंट इंड्यूस होगा, दिस इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ टेंड्स टू, ये क्या करना चाहता है, टेंड्स टू डिक्रीज द फ्लक्स। दिस टेंड्स टू डिक्रीज द फ्लक्स, ये फ्लक्स को क्या करना चाहता है भाई, डिक्रीज करना चाहता है। अब फ्लक्स को ये डिक्रीज करना चाहता है, फ्लक्स को डिक्रीज कैसे करेगा, आप सोचो थोड़ा, फ्लक्स को डिक्रीज कैसे करेगा, सोचा, एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट लो बेटे इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो, नोट करो बेटे, कंसेप्ट क्लियर करो बस, ठीक है, बोलो भाई, किसी को अगर समझ में आया है तो, आई थिंक आउटवर्ड आंसर आना चाहिए, आउटवर्ड आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ना तो हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ना तो ये लेंथ को कम कर सकता हम फोर्स लगा रहे हैं, ना ये इन रेल्स को कम कर सकता, तो क्या करेगा ये, मैग इंड्यूस्ड, सॉरी, यहां पर क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होगी बेटे, ये आउटवर्ड डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर ये इधर आता, ध्यान से, अगर ये लेफ्ट में आता, एरिया कम होता, फ्लक्स कम होता, डिक्रीज होता, फ्लक्स डिक्रीज होता, इस कोयल क्या प्रॉपर्टी है लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग, कि ये कम होते हुए को बढ़ाएगी, तो ये सेम डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में बढ़ा देती। अब ये अपोज कर रही है, कम हो रहा था, कम नहीं होने देना चाहती, उसको सपोर्ट करेगी तो भाई उसकी डायरेक्शन में बढ़ाएगी। अब क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ये कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। तो यहां पर डायरेक्शन के लिए कल बताया था, आउट किससे जाता है, दो मेथड बताए थे भाई, रिवाइज करो एक बार, आउट कौन सा पोल, साउथ, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल बनेगा यहां पर, नॉर्थ पोल मींस एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्लियर है, आ गया समझ में। या बेटे दूसरा हम क्या कह सकते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन, कर्लिंग फिंगर्स, ये डायरेक्शन आउटवर्ड, राइट हैंड रूल से, आउटवर्ड डायरेक्शन, कर्लिंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर देखो पी और क्यू में हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा, पी और क्यू में करंट कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, करंट कहां से कहां जाएगा, हायर से लोअर पोटेंशियल, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा था, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स किसके दिया जाता है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को या रोड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, चैप्टर नंबर थर्ड में, यूनिट नंबर थर्ड में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फादर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई फोर्स किधर लगेगा, चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, पी कैसा हो जाएगा,
पी इज एट हायर पोटेंशियल और क्यों क्या हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, क्यों किसके ऊपर होगा बेटे लोअर पोटेंशियल के ऊपर होगा। क्लियर आ गया समझ में। अब बेटे यहां से हम तीन चार डेरिवेशन करेंगे, कितना करंट बनेगा, कितनी इसके अंदर जो है फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, पावर होगी, ठीक है, ईएमएफ कितना होगा, ये सभी कैलकुलेशन हम करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। बेटे ध्यान से समझना, लेट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर एक्स इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है, एक्स ब्रेथ है, एंड एल इज द लेंथ ऑफ रोड, एल इज द लेंथ ऑफ रोड, और रोड कौन सी, कंडक्टिंग रोड, कंडक्टिंग रोड की लेंथ कितनी है, एल है, और ये कितनी दूरी पर है यहां से, एक्स डिस्टेंस पर है। तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा बेटे आपको ये पता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ये ब्रेथ एक्स, ये एल, एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो फ्लक्स कितना होगा, अमाउंट ऑफ फ्लक्स, अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, फ्लक्स कितना होगा बी ए कोस थीटा, आपको पता है फॉर्मूला, वेरी गुड, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, एरिया क्या आया हमारा एल इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा, एरिया की क्या किया है हमने वैल्यू पुट कर दी एल इंटू एक्स, क्लियर है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी बी एल एक्स कोस थीटा। स्टूडेंट्स यहां पर B की डायरेक्शन कौन सी है, इनवर्ड है, है? A की डायरेक्शन कौन सी है, B इज इनवर्ड लिखा है ना, B इज टुवर्ड्स माइनस डेड एक्सिस, A किधर है, A इज आउटवर्ड, क्योंकि हम हमेशा एरिया को कैसा लेकर चले हैं, सरफेस है, बोर्ड है, बोर्ड से हमेशा कैसे लेते हैं, बाहर लेते हैं, कंप्लीट आप चाहे फर्स्ट चैप्टर को उठाकर देख लो, हमेशा हम बाहर ही लेकर चले और यहां भी बाहर ही लेकर चलेंगे। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी एल एक्स कोस थीटा, और फ्लक्स किसका आएगा यहां पर कोस थीटा, थीटा कितना इनवर्ड आउटवर्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, बी एल एक्स कोस 180 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आएगा माइनस बी एल एक्स, फ्लक्स कितना आएगा वहीं यहां पर माइनस बी एल एक्स, जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स सॉरी हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटे, ईएमएफ को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो यहां से यहां पर देखो E इज इक्वल टू फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी एल एक्स, जो कि कैसा है नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस B और L डी एक्स बाई डी टी, क्या मैग्नेटिक फील्ड B के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नहीं वो यूनिफॉर्म है, क्या ये लेंथ टाइम के साथ चेंज हो रही है, नहीं वो भी यूनिफॉर्म है, तो और क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन किसका किया, एक्स का किया, माइनस माइनस प्लस डी एक्स इज इक्वल टू बी एल वी, ये कैसे आया हमारा बी एल वी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ई एम एफ की वैल्यू आ गई। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो इसको पहले नोट करो बेटे, मैं थोड़ा ये ऊपर वाला पोर्शन रब कर रहा हूं, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे यहां पर,
देखो ये पॉजिटिव बनाने के लिए एरिया वेक्टर क्वांटिटी है एरिया एल इंटू बी सॉरी एल इंटू एक्स और के बार के कैप लगा देते हैं आउटवर्ड। क्या बताया था ये जो अभी बताया था ना अगर इनवर्ड को हम माइनस जेड दे रहे हैं तो आउटवर्ड को क्या लेंगे प्लस जेड और प्लस जेड के किसको रिप्रेजेंट करता है जेड को रिप्रेजेंट करता है क्लास इलेवंथ वेक्टर अगर ध्यान हो तो। और भाई बी किस इक्वल है बी के कैप माइनस माइनस बी के कैप तो फ्लक्स इज इक्वल टू ये हो जाता हमारा माइनस बी के कैप डॉट एल एक्स के कैप के इंटू के के डॉट के वन तो फ्लक्स कितना हो जाएगा देखो बी था हमारे पास तो ये के है के डॉट के होता वन बट माइनस के ये क्या हो जाता बी एल एक्स और यहां पर फ्लक्स किसका आ जाता माइनस का आ जाता। तो बेटे आपको जो अच्छा लगे ये फार्मूला अच्छा लगे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो या आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स आ गया समझ में। एक और चीज बेटे यहां पर जो बतानी इंपॉर्टेंट है यहां पर आप देखो ये हमारा बी बी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ किधर है बी जेड एक्सिस में है लेंथ किधर है हमारी वाई एक्सिस में है बी तो जेड एक्सिस में है लेंथ किधर है वाई एक्सिस में है और वेलोसिटी किधर है एक्स एक्सिस में है तो एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के क्या है ये एक्स में वेलोसिटी या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ठीक है एक्स में वेलोसिटी है वाई में हमारी लेंथ है और जेड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो बेटे यहां पर ये जो फार्मूला आया है ना हमारा E इज इक्वल टू बी एल वी E इज इक्वल टू बी एल वी कब आया है व्हेन बी एल वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये सभी क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जब ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो क्या होगा बट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू बी एल वी आएगा। क्लियर है आगे समझ में भाई। अब भाई हमने ई एम एफ तो निकाल दिया तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट लो स्क्रीन पॉज करके लिया करो। यहां पर लेट आर इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस करंट कब फ्लो होगा जब रेसिस्टेंस होगा भाई कुछ रेसिस्टेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। लेट आर इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर आई इज इक्वल टू ई कितना बी एल वी बाई आर दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये क्या आया है हमारा मैग्नीट्यूड आया है किसका इंड्यूस्ड करंट का और इसकी डायरेक्शन कौन सी है अभी आपने लिखी थी ये डायरेक्शन डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप ये रहा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा एंटी क्लॉकवाइज क्लियर या आउटवर्ड नॉर्थ पोल में क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज क्लियर है आई इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड आया है बेटे पहले इन सबको नोट करो अभी और करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रिटार्डिंग फोर्स। तो मैं यहां से जो डायग्राम है उसको तो मिटाऊंगा नहीं ये डायग्राम आपको याद रखना है आप इनवर्ड ले सकते हो आउटवर्ड ले सकते हो मैग्नीट्यूड सेम आएगा सिर्फ थोड़ी बहुत डायरेक्शन चेंज हो सकती है और डायरेक्शन आपको बता ही रखी है किसे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक है।
चलो नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन करनी है भाई रिटार्डिंग फोर्स। दो तीन दो डेरिवेशन और है छोटे छोटे। रिटार्डिंग फोर्स अब हमें कैलकुलेट करना है, रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा। रिटार्डिंग फोर्स कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑन द कंडक्टिंग रोड। ये फोर्स किसके ऊपर होगा, कंडक्टिंग रोड के ऊपर होगा। द फोर्स ऑन द कंडक्टिंग रोड के ऊपर फोर्स दैट अपोजिज द मोशन ऑफ रोड, दैट अपोजिज द मोशन ऑफ रोड। भाई यहां पर ये हम फोर्स लगाकर इधर ले जा रहे हैं, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स यहां पर इसमें एक ऐसा फोर्स लगेगा और उसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डिंग फोर्स, जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा। वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स कितना होता है, ILb sin थीटा। आपने लास्ट यूनिट में पढ़ा था F इज इक्वल टू ILb sin थीटा। और I की वैल्यू कितनी पड़ी है, Bl v बाई, और आई की वैल्यू कितनी पड़ी है, BlvR मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। यहां पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा L और B के बीच में, देखो बेटे थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, L और B के बीच में एंगल है ये। तो L L तो ये है और B किधर है, ये है, ठीक है। ये क्या आएगा, साइन 90। ये कैसा आएगा, साइन 90। तो यहां से F कितना हो जाएगा, B L B स्क्वेयर L स्क्वेयर V बाई R। फोर्स कितना होगा, B² L² V बाई R। अब ये नेगेटिव कैसे होगा, ये देखो यहां तक की कैलकुलेशन है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा रिटार्डिंग फोर्स, जो कि कितना होगा, B² L² V बाई R, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर लिखोगे, डायरेक्शन टुवर्ड्स माइन नेगेटिव एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस में वी है तो ये ऑपोजिट क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस होगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगी। क्लियर है, आ गया बेटे समझ में। ये कैसे आया वो देखो, एल देखो, हमारा कंसेप्ट क्लियर करो अपना, एल देखो किधर है बेटे, जो हमारा एल है और बी है, एल और बी, थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल एल किधर है, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में। बी किधर है, माइनस जेड एक्सिस में, माइनस जेड एक्सिस में। तो वाई को क्या लिख सकते हैं हम, जे, और जेड को क्या लिखते हैं, के। माइनस जे माइनस के क्या होगा, माइनस आई, माइनस आई क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिटार्डिंग फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, उसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन आई तो वो आई क्यों। क्लियर है, आप इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन स्टार्टिंग में लिखी थी और अब तक लिखी हुई है, नहीं तो इस पेज को हम यूज भी कर सकते थे, बोर्ड के इस पोर्शन को यूज भी कर सकते थे। कंडक्टिंग रोड मींस लेंथ किधर है, वाई एक्सिस में। बी किधर है, जेड एक्सिस में। जे माइनस के, वाई को जे लिख सकते हैं, जेड को माइनस के लिख सकते हैं, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, जे क्रॉस के होगा आई, बट जे क्रॉस माइनस के क्या होगा, माइनस आई। तो यहां पर माइनस आई किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस एक्स एक्सिस को। तो रिटार्डिंग फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आएगी भाई, माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमें कैलकुलेट करनी है पावर, ठीक है।
तो पावर कैलकुलेट करनी है हमें। पावर क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, टू मूव द कंडक्टर या मूव द रोड। ये जो हमारी रोड है ना, ये रोड है बेटे, इसको मूव करवाना है, ठीक है। और ये जो हमारा फोर्स लगेगा, ये कौन सा फोर्स होगा? एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज आवर एक्सटर्नल फोर्स, नॉट रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स नहीं होगा। देखो, अब इस रोड को हमें इधर मूव करवाना है। जब इधर मूव करवाना है तो ये हमारा जो फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या था हमारा? रिटार्डिंग फोर्स। तो ये कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए पी पावर का फार्मूला क्या होता है? एफ इंटू वी। P इज इक्वल टू एफ इंटू वी एफ। अभी आपने निकाला था फोर्स कितना आया, फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर एफ वी कोस थीटा। P इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। फोर्स रिटार्डिंग फोर्स निकाला था। पावर भाई, जितना फोर्स इधर है कितना ही फोर्स हमें इसको इधर मूव करवाने के लिए चाहिए। बी एल बी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। यहां पर जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच में है? एफ एंड बी। फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स ये और ये वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में। एंगल कितना? जीरो। कोस जीरो कितना हो जाएगा? वन। पावर कितना हो जाएगा? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर। दिस इज द फार्मूला फॉर पावर। ये किसका फार्मूला आ गया भाई हमारे पास? पावर का फार्मूला आया है। इसको नोट करो बेटे। नेक्स्ट, पावर डिसेप्शन निकालना है। पावर डिसेप्शन मीन्स जो हम इसके अंदर पावर जो है, जितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो पावर है वो हीट की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही है कुछ, वो पावर कितनी कन्वर्ट हो रही है? ये तो पावर है। कौन सी पावर? इस कंडक्टर को मूव करवाने के लिए जो पावर थी, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर, वी वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए कितना फोर्स लगाया, वो क्या थी? पावर थी। और जो ये फोर्स हम लगाएंगे, ये कौन सा होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा, रिटार्डिंग फोर्स नहीं होगा। अब हमारे पास है पावर डिसेप्शन। और जब भी पावर लॉस होती है, वो पावर किस फॉर्म में लॉस होती है? हीट की फॉर्म में लॉस होगी, हमेशा किस फॉर्म में होगी? हीट की फॉर्म में। पावर डिसेप्शन डिसिपेशन। देखो, पावर का क्या फार्मूला था? आई स्क्वेयर इंटू आर। पावर कितनी? आई की वैल्यू कितनी है? बी एल वी बाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर। बी की आई करंट की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी, बी एल वी बाई आर। तो पावर क्या हो जाएगी? बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर। आर से आर कैंसल, तो हमारी जो पावर आएगी वो कितनी आएगी? बी एल वी स्क्वेयर अपॉन आर। सेम जो पावर पहले आई थी वही पावर, पावर डिसेप्शन भी सेम आई है, उतनी ही क्या आई है हमारे पास? पावर डिसेप्शन भी आई है। एक बार इसको नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बेटे हमें इसके अंदर पावर डिसेप्शन कैलकुलेट की। अब हम इसके स्पेशल केस पढ़ते हैं। सपोज ये एल जो है, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। सपोज हमारी जो लेंथ थी
वो कुछ एंगल बना रही है V के साथ, जो कि पहले कितना था, ये 90 डिग्री था ना, ये V और ये L, ये 90 डिग्री था पहले। अब ये कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। बेटे अगर अब ये थीटा एंगल बना रही, तो यहां पर फोर्स कितना होगा या EMF कितना होगा? EMF देखो, ये L था, इधर क्या होगा, L cos थीटा। बेटे हमने डिस्कस किया था तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, B, L, V, तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अगर थीटा है उस साइड में क्या होगा, L cos थीटा, और दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, L sin थीटा। तो L sin थीटा, V और B तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये B, ये L sin थीटा और ये V, क्या ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए? तो अब EMF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BLV sin थीटा। अब फॉर्मूला क्या होगा भाई, BLV मल्टीप्लाइड बाई sin थीटा, ठीक है। और ये एंगल किस किस के बीच में होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन, यहां पर जो हमारा एंगल आएगा ना थीटा, वो थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड वी के बीच में। थीटा किस किस के बीच में है, एंगल एल और वी के बीच में है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेटे यहां पर ये हमारा टॉपिक था। एक चीज और समझो, ये है भाई कि हमारी जो B है वो V के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, V से क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा भाई, दूसरा B जो है वो L से भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और L जो है वो V से भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। EMF कब बनेगा, जब तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इफ ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वो पैरेलल हुए, इफ दे आर पैरेलल, इफ एनी ऑफ टू आर पैरेलल, अगर कोई भी दो पैरेलल हैं, देन फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। उस टाइम पे बेटे फोर्स हमारा कितना रहने वाला है, जीरो फोर्स रहेगा। क्लियर हो गया बेटे, आ गया समझ में? बेटे आप इन टॉपिक्स को ध्यान से करो, एग्जाम के अंदर आते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस इट स्पेशल केसेस, कुछ और इसके बारे में पढ़ेंगे। दो पार्ट में जाकर ये टॉपिक क्लियर होगा, एडी करंट्स और इंडक्शन, दो पार्ट इसमें और बच जाएंगे। दो तीन दिन में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आई थिंक, आई होप बेटे आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है बेटे, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अपने आंसर क्वेश्चन भेजा करो। कुछ स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, कुछ नहीं भेज रहे। क्लियर? तो बेटे अपने भेजा करो आंसर क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, या आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, भेजा करो बेटे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।